बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच एक और हलचल काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए के भीतर और जो सत्ता में बैठी बिहार में घटक दल हैं उनके बीच में संबंधों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। एक तरफ यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर है, या फिर उसके लिए उनकी कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती है। बिहार में सरकार नीतीश कुमार के साथ चल रहा है, दो घटक दल और हैं, लेकिन अचानक से वीआईपी के चार में से तीन जो बचे हुए विधायक थे उन्हें अपने पाले में करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसको लेकर के लगातार भले ही जदयू की तरफ से बयान नहीं आ रहे हों, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी लगातार बयान दे रही थी, और यहाँ तक कि बोचहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार की घोषणा के बाद से भी जीतन राम मांझी और उनके पार्टी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे। इन सब बातों को लेकर के अब बदली हुई परिस्थिति में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रही हैं। आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लग गई है, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हर वो हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि चार राज्यों में बेहतर परिणाम के साथ सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उन राज्यों को समेटने में लग गई है जिन राज्यों में वो गठबंधन की सरकार चला रही है, या आने वाले समय में उस राज्यों के जो स्थिति है उससे बहुत ज़्यादा असर 2024 के चुनाव में पड़ेगा। बिहार एक ऐसा ही राज्य है जिसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है, और इसमें खास करके वीआईपी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे पाटने के लिए और उसे ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल अलग अलग दलों से बातचीत कर रहे हैं और मामले को दूसरे तरफ डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में जीतन राम मांझी से उनकी मुलाकात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुलाकात के कारण क्या हैं इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को इन सब मामलों पर संयम बरतने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर संजय जायसवाल ने कहा है कि वो शिष्टाचार मुलाकात करने जीतन राम मांझी के पास गए थे। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद ये पहला ऐसा अवसर होगा जब संजय जायसवाल या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जा करके जीतन राम मांझी से मिला हो। इस पूरे बदले हुए माहौल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि क्या कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका प्रतिकार नहीं हो उसको भी लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक तरफ आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ चुकी है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो साफ कह दिया है कि हम न 3 में हैं न 13 में हैं, ये उन दोनों का आपसी और अंदरूनी मामला है। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी मुखर थे। अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ गई है। आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट किया है उसके लिए वो चाहती है कि बोचहा में जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो उनके साथ खड़े हो। आपने सुना भी होगा कि जब एनडीए के उम्मीदवार की बात की जा रही थी तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हमें नहीं पता है अभी कि एनडीए का अधिकृत उम्मीदवार कौन है, जो एनडीए का अधिकृत उम्मीदवार होगा हम उसी का समर्थन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बोचहा में क्या परिणाम आता है और संजय जायसवाल के मुलाकात के बाद किस तरह का एक्ट करती है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।